भैया कोई है? नोज पट रही भाई, सारे दरवाजे खुले हैं और कोई है नहीं। इधर इतनी गहरी खाई, उधर सब छोटे छोटे से टाउन है। अभी ये बाल सुधार गृह परिसर से हम लोग निकल रहे हैं, बरेली से हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा एक छोटा सा स्टे किया था, नितिन भैया अभी साथ में ज्वाइन किए हैं। आज का ये प्लान रहेगा, देखो अभी 10 घंटे की जर्नी बाकी है अगर कंटिन्यू चल रहे हैं हम तो यहाँ से कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट रानी खेत तो पहुँच ही जाए। हम लोग हरिद्वार होते नहीं जा रहे, हम लोग हल्द्वानी होके जा रहे हैं। अभी तीन बाइक पे 5 लोग हैं और नितिन भैया जो है वो बाल सुधार गृह में जेलर हैं, तो उन्हीं के रूम पे रुके हुए थे, वहीं पे सब खाया पिया। चलो बस ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, पूरी जेल का टूर किया कि कैसे होती है। जेल नहीं कह सकते उसको, बाल सुधार गृह होता है ना, उसको ये कह सकते हैं कि हाँ भाई बच्चों को सुधारा जाता है 18 साल से छोटे बच्चों को। जो एनर्जी डाउन हुई थी आते आते अभी वापस से रिस्टोर हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों की जर्नी बरेली से स्टार्ट हो रही है, इसको मिनी बाईपास बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगी फिर वो नैनीताल हल्द्वानी वाली रोड, यहाँ से रानीखेत है। रानीखेत हमने सुना है अच्छी जगह है घूमने वाली, अभी आई डोंट नो अच्छी है कि बहुत अच्छी है कि कम अच्छी है, कुछ नहीं पता भाई, जो चीज़ बिल्कुल कभी देखी नहीं। रानीखेत यहाँ से 190 किलोमीटर है, तो उसके लिए हम लोगों को ऑलमोस्ट भाई मेरे हिसाब से 4-5 घंटे लगने वाले हैं। इसको मिनी बाईपास बोलते हैं और ये जाके सीधा नैनीताल वाले रूट पे मिल जाता है। सामने देखो बोर्ड भी लगा हुआ है, नैनीताल हल्द्वानी पीलीभीत, पीलीभीत भी नहीं टच करना है, वो थोड़ा सा 20-30 किलोमीटर का ज़्यादा पड़ जाता है। ऐसा लग रहा है 20-30 किलोमीटर कुछ है ही नहीं। लंबा रूट आप निकलते हो ना 1500-1600 किलोमीटर, तो ये 20-30 किलोमीटर ऐसा लगता है कि बस छोटी सी डिजिट है। सिटी राइड करते हो तो 20-30 किलोमीटर के कुछ मायने होते हैं, 1500-1600 किलोमीटर की आप राइड ही कर रहे हो तो उसमें 20-30 किलोमीटर मायने नहीं रखते। जितनी लंबी राइड किलोमीटर के मायने उतना ही कम। फिर TVS का शोरूम था, हम सोच रहे थे वहाँ से इंजन ऑयल ले लेते हैं, बट हमको दिखा नहीं भाई। जो गंदे गंदे रास्ते भटके हैं ना, अभी हम लोग फ्लाईओवर के चक्कर में ऊपर से फ्लाईओवर जा रहा है। अरे अरे रे 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 भयंकर गंदा भटके थे भाई। दरअसल क्या था ना कि दो फ्लाईओवर अगल बगल थे, दूसरे के रॉन्ग साइड पे चढ़ गए क्या? फिर समझ आया नहीं रॉन्ग साइड पे नहीं चढ़े, वो दोनों फ्लाईओवर हैं और दोनों चलते हैं। अब हम लोग सही रास्ते पे फाइनली पहुंचे, वरना वो टनल से भाई भटक गए थे। फुल करना है? हाँ नियम कानून है क्या कोई? पहले 5 पड़ेगा, अच्छा चलो अभी है यार फ्यूल बाद कहाँ गया? पीने वाला पानी की अच्छा उधर लगा हुआ है भाई। ये सीन नहीं समझ में आया कि पहले इतना पड़ेगा फिर उतना पड़ेगा। चलो पानी वानी पी लेते, पानी प्यास काफ़ी ज़्यादा लग रही है। इधर कुछ बता रहे हैं पहले 5 लीटर पड़ेगा फिर आधा लीटर पड़ेगा, भाई बोल रहे कि पहले 5 लीटर पड़ेगा फिर इतना पड़ेगा उतना पड़ेगा, ये क्या नियम कानून होता है पेट्रोल पंप का? 5 लीटर पता नहीं बता रहे, कुछ टेस्टिंग चल रही क्या चल रहा? हाँ आगे भी है, बहुत है अभी। क्या कह रहे हो, चलें उधर से? ऑफ रोड करना पड़ जाएगा, पता नहीं क्या हुआ है जो इतना तगड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है भयंकर। भैया भयंकर ट्रैफिक लगा हुआ है। नितिन भैया इधर से आ जाइए, कुछ भी फना लाइन भाई। ट्रैफिक है किस चीज़ का अभी तो नहीं पता चल रहा। ट्रक कहीं घुस गई है भाई, अरे पूरा होटल ढाबे में सब घुस गई है भाई ट्रक, उसी के चक्कर में इतना ट्रैफिक लगा हुआ है। क्लियर है आगे भाई, दोनों घुस गए ना अंदर, यही सब देख के थोड़ा फटता है। मतलब दोनों ट्रक वो जाके उसमें घुस गए, क्या बोलते हैं ढाबे में, सब ढाबे में दोनों एक तरफ से घुस गए। ये सब दिखाने लायक होता नहीं है व्लॉग पे, ये सब देखने के बाद घर वाले ना थोड़ा सा ऐसा परेशान होते हैं, क्योंकि भाई बहुत रिस्की चीज़ है रोड पे ऐसा। मतलब पीक एडवेंचर अगर करना है ना तो बाइक पे आप लॉन्ग राइड पे जाओ। अभी जो हम लोगों ने देखा पता नहीं कहाँ से कुदा फंदा के लेके निकले हैं, ये बरेली खत्म होने का नाम नहीं ले रहा भाई। हम लोग पहुंचने वाले हैं हल्द्वानी। ये जो पेड़ है ना ये बताने लगे हैं कि हम लोग पहाड़ की गोद में घुसने लगे हैं। मिनी पहाड़ जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे मतलब प्लेन खत्म होता है ना तो एक ग्रीनरी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, जैसे माउंटेन्स में घुसो। यही देखने हम लोग आते हैं। हाईवे छोड़ा, ये अंदर किच्चा, बीच में कुछ पड़ा था जगह, किच्चा नाम था उसका। वहां से जैसे ही हल्द्वानी की साइड में घुसे वैसे ही ये मिनी पहाड़ वाली फीलिंग आने लगी अपने आप। देखो चोपटा हम लोगों का एम है लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, वो उसका जो अराइवल वाला टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 3 बजे रात में। क्योंकि अभी जब पहाड़ मेन चालू होंगे ना तो उसमें ये रास्तों पे फिर नहीं बन पाता है भैया, उस पर 50 किलोमीटर मतलब 2 घंटे गए। और हम लोग ऑफिशियली UK में घुस चुके हैं। UK बोले तो यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। एक टाइम पे ये UP का पार्ट था, पता नहीं कौन बदतमीज आदमी था जिसने उत्तराखंड को अलग कर दिया UP से। कहने को होता कि हाँ भैया UP में भी ऐसा ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं,
ये देखो देहाती जा रहा है साला फ्लैशर लगा के, कोई मतलब नहीं होता इस फ्लैशर का। भाई नैनीताल में हर दूसरी तीसरी गाड़ी यूपी 32 यही जाते हैं, वहाँ भीड़ बढ़ाते हैं जाके। अभी तो बड़ा सा मंदिर है, अभी ये कौन सा मंदिर है हम पढ़ के बता रहे हैं, अष्टादश भुजा हल्द्वानी का कोई सा मंदिर है। इस पे चलने में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बिजवाड़े चौकोर हो रहे हैं, गोल से वो चौकोर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। रास्ते अभी इसके बाद बहुत अच्छे हो जाएंगे। आज का दिन भले थोड़ा सा बोरिंग सा था, लेकिन कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होएगा। हो सकता है ब्लॉग लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, तो इसलिए हम इसको शायद दो पार्ट में बना देंगे। तो वो चीज़ देखते रहना, पार्ट में बना देंगे, कोशिश करेंगे कि छोटे में ही अच्छा दिखाएं, बाकी प्रभु इच्छा। बाइक से लॉन्ग राइड पर जाओ, बाइक में कुछ टूटे फटे ना ऐसा हो कहाँ सकते हैं। भाई हॉर्न गिर गया इसका, ये इसको भी है, इसकी पत्ती है टूट गई, इसको जोड़ना है इस पे। इसको ऑयल चेंज करा दे क्या? अच्छा ऑयल है, पूछ ले। ऑन चेंज कराना, वो लटक गया था भैया की बाइक का, अभी कल ही चेंज हुआ, लेकिन वो पता नहीं कैसे, वो डेकचून का होता है ना, तो लटक गया। और तुमको सामने दिखेगा नहीं, लेकिन हमको मतलब पॉल्यूशन है उस वजह से हमको, तुमको नहीं दिखेगा कैमरे पे, लेकिन हमको दिख रहा है वो पहाड़ ऐसे ऐसे काफ़ी ऊँचे से आ गई। हमने पहाड़ दिख रहा है हमको ऐसे ऐसे ऐसे। उसका हॉर्न चेंज हो रहा था इसका, हमने ऑयल चेक कर लिया, तो अभी ऑयल मतलब इतना गंदा नहीं, एकदम साफ है, ठीक ठाक सा है, तो अभी इसको चेंज कराने की कोई जरूरत नहीं। अभी 2000 चलिए, 2200 कुछ चलिए, तो चल जाएगा अभी अपना काम। फ़ोन से दिखाने की कोशिश करें, शायद दिखे। दिखा? नहीं दिखा, नहीं दिखेगा, आँखों से दिख रहा। हम अपनी गाड़ी का बेहया मान लिए कि यह बेहया है। 100 cc गाड़ी की मतलब भाई जितनी उसकी वो है पोटेंशियल, उसकी अवकाश से ज़्यादा उसको चला रहे हम। मुड़ना आगे से कहीं से, ओके बैठो, बताइए पीछे गूगल मैप हमारे। अब भाई टांग नहीं उठा पा रहे हो, खा के रहो, कंधे पर रखना पड़िए कुछ दिन तुम्हारी टांगे। लेट्स गो करते हैं, जय भोलेनाथ। ये ऑफ रोड देख के फटती है, क्योंकि नेपाल में हम भुक्त भोगी। ऑफ रोडिंग न करो प्रभु, वो पेस खत्म हो जाता है ना बिना मतलब का, इधर उधर कूदते उछलते जाओ। 400 मीटर यही तरह चलना है, आधा किलोमीटर का है ये पूरा गंदा पैच। स्किट कर गई भाई, तो पहाड़ दिख ही रहा होगा ना, चारों तरफ वैली है, हम लोग हिमालय में एकदम प्रवेश करने वाले हैं। एकदम स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल सामने पहाड़ दिख रहा है, मतलब पहाड़ क्या पहाड़ियाँ अभी दिख रही है। देखो मूड चेंज सबका। सुबह हाँ ऐसा लगा था कि चरस चाट लीने जैसे पहाड़ देखी, पहाड़ देखे सब एकदम एनर्जेटिक। सुबह जो मरे मरे चल रहे थे एकदम से, सब सीनारियो चेंज, बिल्कुल पॉल्यूशन इतना है कि क्रिस्टल क्लियर मतलब विजिबिलिटी नहीं है पहाड़ों की, काफी ज्यादा पॉल्यूटेड है। हल्द्वानी से पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं, अभी हम लोग हिमालय जाएंगे। और ये पता है ये मतलब ये तो साइड में छोटी वाली रेंज है, हम लोगों का जो एम है चोपटा, चोपटा तो भाई बहुत ऊंचाई पे है, कहते हैं मतलब हाईएस्ट शिवा टेंपल है। पहाड़ की विजिबिलिटी आ गई है, अंदर से एनर्जी आ गई है, रोड एकदम चौचक है, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फ़ोन चलाना तो नहीं चाहिए इसे ट्रैफिक में, लेकिन थोड़ा सा चला ही लेता हूँ। बहुत बड़े पहाड़ नहीं, लेकिन इधर का जो मतलब लैंडस्केप है ना, सूरज भगवान डूब रहे हैं वहीं से ऐसे पहाड़ियाँ शुरू हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो तुम बताओ कैसा लग रहा है, और ऊपर से ऐसी रास्ता, बस जब ये वाली रास्ता आती है ना, तब थोड़ा सा फील होता है कि एक अच्छे इंजन की बाइक होनी चाहिए थी, जिसपे हम भगा सकते, थोड़ा सा स्पीड का थ्रिल ले सकते, लेकिन कोई नहीं, जो है उसी पे ले रहे हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर। ओल्ड वाला अक्षय जो ऐसा मोटो ब्लॉग करने जाता था पहाड़ों पे, हालांकि नेपाली गया था, उसके पहले भी बहुत जगह गया लेकिन ऐसा ब्लॉग नहीं किया था, लेकिन अभी वापस से वादियों में आ चुके हैं, पहाड़ी उधर पहाड़ी, और इन्हीं के बीच में कहीं पे है वो नैनीताल। बाकी पहाड़ों के रास्ते एंजॉय करो, सारे एंजॉय कर रहे होते हो, कार की छत से अपनी मुंडी बाहर निकाल के एंजॉय करे भाई, सनरूफ का और वो जो पैनोरामिक रूफ होती है ना, उसका मज़ा इसी जगह पे ही है, सिटी में कोई मजा नहीं। और ये देखो यूपी 32 वाले, सारे यूपी 32 वाले इधर है, बहुत फैमिली सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं बाहर है ही नहीं, लखनऊ में है, सारे आगे पीछे यूपी 32, सब एक तरफ से यूपी 32, लेकिन यूपी 41 वाला कोई नहीं मिला अभी तक। ये एक ऐसा घर होना चाहिए यार, देखो क्या प्यारे घर हैं, यहाँ पे रहते होते डेली किसी न किसी पहाड़ में घुसे जा रहे हैं घूमने, शहर के शोर से दूर आ चुके हम। क्रेटा वाले ने पीछे भी ब्लैक स्क्रीन लगा रखी, आगे का कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि आगे कोई गाड़ी है या नहीं है। पहाड़ियाँ दिख रही ना, ये तो बस टीजर है, इसके बाद ट्रेलर आएगा, ट्रेलर के बाद जब हम लोग चोपटा पहुंचेंगे ना, तो पूरी पूरी पिक्चर आएगी। केदारनाथ गए थे पिछले साल, 1.5 साल पहले, चोपटा में मतलब थोड़ी देर के लिए रुके थे, तो लेकिन वो इतनी खूबसूरत जगह थी कि तभी सोच के बैठे थे कि भाई यहाँ आना है, कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करके जाना है। फाइनली ड्रीम पूरा हो रहा है, यहाँ तक पूरा हो चुका है, आगे भी पूरा हो ही जाएगा। अभी प्लेन में होते तो सूरज देवता अभी भी निकले होते, अभी कहीं पहाड़ों के पीछे छुप गए हैं, तो इधर अंधेरा जल्दी हो जाता है, समझ रहे हो। अब एक बार चिल्लाए देखा मन कर रहा है। रोड देख रहे हो ऐसे जाओगे ऐसे।
बस चालू भैया, सांप वाली रोडे चालू भैया, मजा चालू भैया। घर पर पड़े पड़े ब्लॉग देख रहे, पता नहीं कहा नहीं घूमे नहीं आ रहे यार। इतनी इतनी अच्छी फीलिंग है, पता नहीं कहा लोग फीलिंग लेने आ रहे हैं वाली। छोटी गाड़ियां चल रही हैं यहाँ पे, भी एक चौराहा टाइप का है, तिराहा एक्चुअली बोलेंगे इसको। भीमताल, नैनीताल या फिर रानीखेत जाना है तो उस साइड जाओ, अगर हल्द्वानी जाना है तो 5 किलोमीटर उधर जाओ। रानीखेत है यहाँ से लगभग 43 किलोमीटर। भाई ओवर क्राउडेड है पूरा नैनीताल, बहुत ज्यादा टूरिस्ट है भाई। इंद्रा को हमने ट्रांसफर कर दिया है नितिन भैया की बाइक पे, छोटी बाइक है ना तो उसपे थोड़ा सा ऐसा इंजन पे लोड आता है, चढ़ने में थोड़ा सा स्ट्रगल करने लगती है, तो हमने कहा तुम उस पे ट्रांसफर हो जाओ, बैग हमको दे दो, तो बैग सारे इस पे कर लिए और अब हम सोलो चल रहे हैं। अभी हेलमेट का वाइजर खोल सकते हैं भाई, पेड़ों का यही एक इफेक्ट अच्छा, जो सबसे मेन अच्छा हमको लगता है कि जैसे ही ग्रीनरी चालू हुई ना वैसे डस्ट खत्म हो गया, जितना डस्ट था सब खत्म हो गया। तक कि वो प्लेन था जहाँ पे पेड़ नहीं थे, इतना डस्ट, इधर एक पैसे का कोई डस्ट नहीं, इजिली हम वाइजर खोल के चला सकते हैं भाई, कसम से यकीन नहीं मानोगे। अभी तो गहरी खाई इधर आ गई, इधर ऊंचे से पहाड़ आ गए, यकीन नहीं मानोगे। बिल्कुल वाली मूवी देखिए, मूवी नहीं मूवी जाने दो, जो रॉय मूवी है उसका जो गाना है तू है कि नहीं, भाई 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 वही तरह लग रहा है, बिल्कुल वही वाली विसिल निकल रही है दिल के अंदर से। लेकिन बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, एक गलती काम खत्म, मतलब बहुत ही नॉर्मल है ये। अभी इसके आगे देखो देखो क्या क्या पहाड़ देखने को मिलते हैं भैया, एनर्जी आ गई, जितनी थकान थी सब काम खत्म, ऐसा लग रहा है कि अभी वापस से 300-400 किलोमीटर चल सकते हैं। लेकिन रास्ते ऐसे होने चाहिए, भीमताल की रास्ता उधर मुड़ी ना, वहाँ से ऑलमोस्ट सारा ट्रैफिक खत्म हो गया। अब जो भी है इधर का है नैनीताल और रानीखेत का, तो कोशिश यही है कि रानीखेत पहुंच जाए, उसके बाद तो भैया जो होगा वो तो देखने को मिलेगा ही। बाप रे, चेंज करना पड़ेगा गियर। लेकिन भाई ऐसा कर वे ना कि इस पे मतलब 50 से ऊपर बाइक नहीं जा रही, तो बड़े इंजन का फायदा ये है कि हाँ आपको स्ट्रगल फील नहीं होगा कि हाँ बाइक थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है, और छोटी बाइक में थोड़ा सा स्ट्रगल फील होगा। बाकी स्पीड आपकी यहाँ पे 60 से ऊपर तो रहने वाली नहीं है, अगर आप उससे ऊपर जाओगे तो आप मतलब एक कह सकते हैं कि वो फिर रैश राइडिंग हो जाएगी, आप कहीं ना कहीं कंट्रोल खो दोगे, क्योंकि ऐसे कर्व है। टेम्परेचर अपडेट दें तो इतना ज़्यादा ड्रॉप डाउन नहीं हुआ है टेम्परेचर की, वहाँ 46 था, लेकिन बरेली में जो भाई था वो 46 के आसपास था, और इधर इस टाइम पे लगभग 32-35 के आसपास होगा, तो मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन आप प्लीजेंट सा टेम्परेचर है जिसमें अच्छा लगता है सब। तो जिंदगी से जो त्रस्त हो इधर खाई है अभी कूद जाओ। जिंदगी से तुम त्रस्त हो। देखो इसी जगह पे रुके हुए हैं, इधर इतनी गहरी खाई, उधर सब छोटे छोटे से टाउन है पूरा, नदी पूरी शायद सूखी पड़ी है, इधर हम लोग चाय वाय पीने के लिए रुके हुए हैं। अच्छा लग रहा है भाई अब तो, ए इधर आ जाओ भाई, तेरे लच्छा हमका ठीक नहीं लग रहे, इधर आओ। हाँ जिम्मेदारी से तुमका लेके आए, जिम्मेदारी से वापस लेके जाना है। ठंडा हुआ है, थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, हमको लग रहा है तुंगनाथ में भाई जैकेट जरूरत पड़ेगी। हम जैकेट लाए लाए होगा, हाँ तो ठीक है हम पहन पे ना। हाँ तब ठीक है। अभी जब पहाड़ शुरू ही हो गया, इधर देखो अंधेरा काफी ज्यादा हो गया, अभी कितना बजे टाइम बताइए, 7:30 हुआ है और अभी इतना अंधेरा है, तो यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे, पहाड़ की चाय भी फाइनली इधर मिल गई है, पहाड़ी चाय। अनुज कहाँ? अच्छा कैफे, मतलब पहाड़ के कैफे अलग अलग भाई, मतलब ज़्यादा कोई देखो डेकोरेशन नहीं, खाली बल्ब लटके हुए हैं, टीन शेड पड़ा हुआ है, अच्छी सी नीचे कारपेट और सबसे अच्छा व्यू बस। इधर चाय वाय हम लोगों की हो गई और अब रात में कुछ खास देखने वाला है भी नहीं, दिखा भी नहीं सकते, तो अब जहाँ पहुँचेंगे जहाँ रुकेंगे वहीं का जो कुछ होगा वो भैया बताएंगे। तो हमको खाली कवर करना है रास्ता, बहुत गंदा लेंस हो गया था। 9 से 10 के बीच में जहाँ भी अच्छी जगह मिल जाएगी वहाँ हम लोग रुक जाएंगे। ये रात में पहाड़ों पे राइड करना काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है, लेकिन जो साइड में वैली होती है, वैली पे या पहाड़ों पे जो लाइट जल रही होती है, टोटल डार्क रहता है उस पे, वो घरों की छोटी छोटी लाइट भाई, वो ऐसा लगता है जैसे मतलब बस तारे आ गए हैं ज़मीन में। डरावना भी है लेकिन सुंदर है। हाँ भी लगाना है इधर से थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है रूट, ये कैची धाम के आसपास है हम लोग कहीं पे। अभी किधर से जाना है भाई एग्जैक्ट पता ही नहीं है, लेकिन पुलिस वालों ने इधर डाइवर्ट कर दिया है कि ऊपर बंद है। बहुत देर मस्त मस्त से रास्तों का मजा लिया, अब ये थोड़ा सा धूल गर्दा खाना पड़ेगा। पास में कैची धाम है ना, जिस वजह से इतनी भीड़ है, रास्ते अब थोड़े से ज़्यादा गंदे हो गए भाई, मतलब एक होता है गंदा एक होता है ज़्यादा गंदा। सामने देख रहे हो धूल कैसे उड़ रही है ब्रो, पूरी बाइक स्किट मार रही है। गियर डाउन करते हैं पहले, बहुत ईजी, तुमको फील नहीं हो रहा होगा लेकिन पूरी गाड़ी स्किट कर रही है। हाँ मैप
देखे अब इसको कहते हैं एडवेंचर। अभी हम लोग पूरी तरह से ऑफ द मैप हो गए, मतलब मैप भी काम नहीं कर रहा है हमारा गूगल मैप। और रास्ते तो भैया माशाल्लाह सामने देख रहे हो कितना ज़्यादा गर्दा उड़ रहा है, जो भी है सही नहीं है। अभी तो थोड़ी दुख दुख हो रही है भाई, ये रात में जाएंगे कहाँ। फिलहाल आगे ट्रक जा रही है, मतलब रास्ता तो है, ट्रक जा सकती है तो बाइक तो जा ही सकती है। फिर ये जो इतनी रौनक दिख रही है ना, ये सारी कैची धाम की दिख रही है। अभी हम लोग कैची धाम में है लेकिन लोग वहाँ जाने वाले नहीं है। हम लोगों को जाना है रानीखेत, उसके बाद तुंगनाथ। वापसी में देखेंगे, अगर दर्शन करने को लिखा हुआ भाई तो जाके कैंची धाम में भगवान के दर्शन करेंगे। तब तक के लिए जय बजरंग बली। और अभी बहुत भयंकर ऑफ रोड करके आ रहे हैं हम लोग 5-10 किलोमीटर का। ऐसे लोग अलग ट्रैफिक लगा रहे हैं भाई। कैंची धाम को लेके बड़ा लफड़ा हो गया है। रामगढ़ होके बोल रहे हैं जाओ, इधर से जाने का कोई सीन नहीं बन पा रहा है। तो साथ में लोकल कुछ मिल गए हैं उधर जाने वाले, तो बस उन्हीं को फॉलो करके जा रहे हैं। ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे, अनुराग से बोल दे रहे हैं अनुराग मैप लगा लेना, मैप जरूर लगा लेना, ब्लाइंडली फॉलो मत करना। हाँ, रानीखेत का डिस्टेंस डाल के एड स्टॉप में अल्मोड़ा डाल दो बस। अनुज कहाँ जा रहे हो भाई पैदल? हैं, क्या हो गया? जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं जाम लगता ही है। हाँ, वो आगे भी बंद था भाई। 11 बजे हम लोग कोई होम स्टे में घुसे हैं, सारे दरवाजे खुले, कोई है नहीं। कोई है? भैया कोई है? अबे अनुज, अनुज पट रही भाई, सारे दरवाजे खुले हैं और कोई है नहीं। फाइनली रूम की डील हो गई भाई, ये अपना रूम है। अब हम पंखे नीचे इधर सोइबे भाई, ये अपना रूम है। अब दिन में जब दिखाएंगे तब पूरा रूम टूर कराएंगे, अभी सब बस खाली लेटना है, पीठ सीधी करनी भाई। भाई पैसे के हिसाब से सही है ना? बढ़िया है रूम। अभी रात के ऑलमोस्ट 12:30 बज रखे हैं और अभी हम लोगों ने स्टे लिया है यहाँ पे कहीं मुक्तेश्वर के आसपास में। और अभी तो इतना कुछ समझ नहीं आ रहा कि इधर कैसा क्या व्यू है। फिलहाल सामने पहाड़ है, इधर बैठ के नाश्ता वास्ता कर सकते हो। जो हमारा रूम है वो अभी नॉर्मली हल्का फुल्का देख लो कैसा है, मतलब काफ़ी बड़ा रूम है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा है। इसका प्रॉपर जो है रूम टूर कल करा देंगे। वो देखो ऊपर सारे सुअर लेटे हैं, ऊपर भी लेट सकते हैं, वहाँ भी लेट सकते हैं, यहाँ पर भी लेट सकते हैं, चाय पियेंगे भाई। तो अभी आज का दिन खत्म, आज का ब्लॉग खत्म, अभी ब्लॉग करते हुए खत्म। अगर तक ब्लॉग देख लो सब्सक्राइब करें एंड डेट सीरीज एंड लेटेस्ट स्टडी फॉर मोर न्यू ब्लॉग। और तब तक के लिए बाय। नहीं, आगे की भी सीरीज देखो, आगे काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। अभी कल से मेन एडवेंचर तो कल से शुरू है ठीक है, कल से मेन एडवेंचर शुरू है भैया। आज आज भी हुआ था ऑफ रोड तगड़ा हुआ था, सब देखा होगा, लेकिन मेन एडवेंचर व्यूज जो हैं वो कल से देखने को ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। क्या हुआ भाई, कुछ निकाला?